नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं बात करने वाला हूं इसमें कैनवा में रील कैसे बनाएंगे, सुंदर सुंदर सी रील कैसे बनाएंगे और कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देखकर रील बना सकता है। और दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप कैनवा खरीदते हैं तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एफिलिएट लिंक से आप कैनवा खरीदते हैं तो मैं आपको जो अपना पूरा कोर्स है कैनवा का, जिसकी कीमत 1000 रुपये में है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा लाइफ टाइम के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे कैनवा से संबंधित, उन सभी के संतुष्टिजनक जवाब आपको देने वाला हूँ, राइट? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैनवा की ये जो वीडियो है। मेरा नाम है सुनील चौधरी, मैं इंडिया के टॉप डिजिटल कोचेज में या दुनिया के सबसे टॉप डिजिटल कोचेज में अपने आप को गिनता हूँ। घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत वाली बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्लस के बटन पर और यहाँ टाइप करना है इंस्टाग्राम रील। इंस्टाग्राम रील यूट्यूब का शॉर्ट, बात एक ही है, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, कोई सा भी टेम्पलेट आप उठा कर चेप दो, उससे आपका रील बन जाएगा। एक तो ये फंडा है, राइट? तो जैसे मैंने ये वीडियो ये उठाया, एक तो ये उठा लिया, देखिए, राइट, ये उठा लिया। तो ये मेरी वीडियो तो कैसे छोटी होगी, यहाँ से ये छोटी हो गई। तो यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ और ये मेरी जो रील तैयार हो जाएगी, बट मैं ये करना नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से वीडियो बनाना चाहता हूँ और मेरे पास डिमांड भी कुछ ऐसी आई हुई है, ये वीडियो भी डिमांड पे बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक रिवर लेने वाला हूँ, रिवर। रिवर की वीडियो बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत चलती हैं, तो मैंने एक रिवर का ये वीडियो ले लिया। यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो आप, मैं आज ये वाला नहीं लूँगा, मैं कई बार ले चुका हूँ, आज मैं झरना टाइप का ले लूँगा, ये अच्छा रहेगा, राइट? तो मैंने ये ले लिया, बड़ा अच्छा सा झरना। और ये देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, जितना मर्जी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी जहाँ मर्जी सेट करना है आप कर लो, थोड़ा सा झरना दिखता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो ये जो है झरना दिख रहा है, वाटरफॉल दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं बढ़िया सा सुंदर सा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, लर्न वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी लिख दो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि झरने के हिसाब से भी लगा सकता हूँ मैं इसको, और इसका जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट यहाँ से ठीक करते हैं और झरने के हिसाब से देखिए एल यहाँ तक आ गया। मार्केटिंग को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो ये झरने की डिजाइन से मैच करेगा, राइट? झरने की डिजाइन से मैच कर गया है ये थोड़ा सा। लर्न वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग, और अब मैं बोलने वाला हूँ ज्वाइन, ज्वाइन, मैंने यहाँ पे ज्वाइन बोल दिया। ज्वाइन के लिए मैं ऐसी चीजों के लिए बटन भी लेके आ सकता हूँ, हमारे पास एक एलिमेंट्स का सेक्शन होता है और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ज्वाइन, ज्वाइन लिख दूंगा। ग्राफिक्स में मेरे को बहुत सारे ज्वाइन मिल जाएंगे और जो आपको ठीक लगता है वो वाला ज्वाइन आप यूज़ कर लो। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, मैंने ये वाला कर लिया। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इनके, राइट? आपकी मर्जी है, जो मर्जी कलर ले लो। और उसके बाद फिर मैं लिखने वाला हूँ करियर बिल्डिंग स्कूल, बस इतनी सी बात है, अपनी ब्रांडिंग करनी है तो वो हमने यहाँ पे बड़ा कर देना है। नाम ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो आप डिसाइड कर लो, बट अपनी अपनी चॉइस भी है, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, करियर बिल्डिंग स्कूल, और उसको मैं कर दूंगा बड़ा, ठीक है? तो ये एक तरीके से ना हमारी रील तैयार हो गई है। इसको टेक्स्ट को बोल्ड भी कर दो, पॉपिंस में जाके एक्स्ट्रा ब्लैक कर दो, इसको थोड़ा सा अगर मैं डार्क दे दूंगा इसके पीछे, यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट हैं, तो मैं ये जो है यहाँ पर ये यूज़ कर लिया है मैंने। प्लस मैं इसको एनिमेट भी करूँगा, देखो इस टेक्स्ट को मैं एनिमेट भी करूँगा। एनिमेट करने के लिए सबसे बढ़िया टाइपराइटर है यहाँ पे, इसको मैंने एनिमेट कर दिया, इसको भी मैं एनिमेट करने वाला हूँ वाइप करके। इसकी स्पीड भी मैं कम कर सकता हूँ, धीरे धीरे आएगा ज्वाइन, फोकस लगेगा उसके ऊपर। और इसको भी मैं एनिमेट करने वाला हूँ, इसको मैं एनिमेट करने वाला हूँ असेंड में, असेंड में, और थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ इसको। लर्न वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करियर बिल्डिंग स्कूल, तो अब थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ जादुई टाइप का हो रहा है, राइट? तो अब
मैं चाहूँ तो अब एक दूसरी स्लाइड बना सकता हूँ, और चाहूँ तो इसी स्लाइड को, 21 सेकंड की रील है, इसको ही छोड़ सकता हूँ। बट दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको सीक्रेट टिप और बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। सीक्रेट टिप ध्यान से सुनो, कि अगर आपकी रील में 6 सेकंड का दम है तो अपनी रील को 6 सेकंड का ही बनाओ, क्योंकि अगर 6 सेकंड की वीडियो रील बनाई आपने और लोगों ने पूरी 6 सेकंड की देख ली, तो आप इंस्टाग्राम पर डालें चाहे यूट्यूब पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को लगेगा कि लोग आपकी पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक बात जाएगी कि लोग आपकी पूरी वीडियो देख रहे हैं, यानी आपकी वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। मैं पहले क्या करता था, वीडियो को जबरदस्ती लंबा कर देता था, लोगों को वैल्यू मिलती नहीं थी, वो बीच में छोड़ देते थे, तो यूट्यूब को लगता था यार इसकी वीडियो तो यूजलेस होती है और लोग देखते तो है नहीं है। बेटर है कि वीडियो छोटी बनाओ बट इतनी देर की बनाओ कि लोग उसे देखना पसंद करें। आपको खुद लग रहा है कि वीडियो नहीं देखेंगे लोग, तो उसको बनाइए मत, और उस हिसाब से लंबी मत कीजिए। अब इस तरह की वीडियो को, बड़ी छोटी सी वीडियो देखो, इसमें है ही क्या, लर्न वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग, ज्वाइन नाउ करियर बिल्डिंग स्कूल, इतनी सी बात है। अब इस बात को 20 सेकंड तक ज्यादा लपेटने का मतलब क्या है, छोटी सी चीज है। मैं इसको वीडियो को जो रखने वाला हूँ, मैं रखने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड की, 7 सेकंड की, क्योंकि जैसे ही बंदा प्ले करेगा ये वीडियो प्ले होगी तो लगभग 5 से 7 सेकंड हो जाएंगे और मेरी जो है रील खत्म हो जाएगी, और यूट्यूब को यह मैसेज मिल जाएगा कि भाई पूरी रील को देख रहे हैं, इस चैनल की पूरी रील को देखा जा रहा है, तो एक माइंड में इंप्रेशन बनेगा कि भाई पूरी रील देख ली बंदे ने, तो वो और ज्यादा लोगों को ये वाली रील दिखाने वाला है, उसको ये बहम हो जाएगा कि इस रील को लोग देख रहे हैं। तो बड़ी रील तभी बनाइए जब आपके पास मसाला हो, और नहीं हो मसाला तो मत बनाइए, छोटी रील बनाइए। जैसे इस तरह की वीडियो 5 6 सेकंड से बड़ी होनी ही नहीं चाहिए, एक बार प्ले करके देखते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो जो है 5 सेकंड की रील है, तो मैं इसको 5 सेकंड की कर दूं, 5 सेकंड में ही बंदे को पता चल जा रहा है कि ये क्या मसला है। देखिए 5 सेकंड्स में ही पता लग जा रहा है कि ये क्या है। 5 सेकंड से ज्यादा की वीडियो मत बनाइए, और 5 सेकंड की बनाइए बस। और अब मैं इसमें ऑडियो ऐड करने वाला हूँ यहीं से, क्योंकि इसमें कोई और ऑडियो ऐड करने का जो लॉजिक बनता नहीं है, ये मैं यहीं से इसमें ऑडियो ऐड करने वाला हूँ, अपबीट टाइप का, थोड़ा हाई फाई। वैसे यहाँ पर एक मार्केटिंग का भी टाइप का ऑडियो आता है, अब मिल जाए तो कॉरपोरेट भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा म्यूजिक लीजिए जो शुरू से ही मतलब चलता हुआ नजर आए, मतलब इंटरेस्टिंग सा लगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा म्यूजिक लगाइए जो आपको शुरू से ही बढ़िया सा लगे। तो मेरे पास एक पड़ा भी है गोडाउन डे, ये वाला मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये गोडाउन डे पड़ा है मेरे पास, इसको मैं लगा सकता हूँ, ये काफी चल रहा है और ये ऐसा म्यूजिक है कि अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है कि कहाँ से अच्छा लग रहा है। उसके आगे एक जो लाइन आएगी वो थोड़ा अच्छा लगेगी। इन सब चीजों में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि मुझे कहाँ से अच्छा लग रहा है। ये म्यूजिक काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक आप लगा देंगे अपने में तो आपकी इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर वीडियो देखी जाएगी, लोग म्यूजिक भी सुनने के लिए सुन लेते हैं कई बार, उसके उनके मन में वो म्यूजिक बैठ गया होता है तो पूरी वीडियो म्यूजिक के चक्कर में ही देख लेते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को अगर थोड़ी बड़ी भी कर दूंगा ना तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो तो म्यूजिक है ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मैंने लगा दिया है, 9 सेकंड की वीडियो कर दी है, और इसे प्ले करके अगर मैं देखूं तो अच्छी लग रही है। एक तो इसमें हमने दो चीजें अच्छी लगाई हैं, एक तो इसमें पानी का जो, इसमें दो दो चीजें बहुत अच्छी हैं इस वीडियो में, एक तो पानी का झरना है जो कि लोग देखेंगे अच्छा लगेगा उन्हें,
दूसरा उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, काफी अच्छा म्यूजिक है ये, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। तो दो चीजों की वजह से इसको देखा जाएगा, प्लस इसके ऊपर लिखा भी हुआ है लर्न वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटिंग, ज्वाइन नाउ। तो जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड होगा वो आगे बढ़ सकता है और हमारे करियर बिल्डिंग स्कूल पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो दो उद्देश्य हैं, एक तो हमारी वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाए, ज्यादा से ज्यादा देखी जाए, और दूसरा बंदा है कि अगर इंटरेस्टेड है बंदा तो हमारी लीड बन जाए, हमारी लीड जनरेशन हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी रील्स बना सकते हैं, नदी की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। मैं अगर दूसरी स्लाइड बना के दिखाऊँ आपको, दूसरी स्लाइड में यहाँ पे सनशाइन की बना देता हूँ, सनशाइन सनराइज की बना देता हूँ, सूरज निकल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ की मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और ये देख लीजिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस बैकग्राउंड कर दूंगा। इस वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं, और ये जो वीडियो है वो भी काफ़ी कम लंबी है, बट इसको मैं और छोटी करने वाला हूँ क्योंकि दूसरी स्लाइड है, तो दूसरी स्लाइड पर ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। हम सिर्फ ये कहने वाले हैं कि भैया 100% मनी बैक गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, 100% मनी बैक गारंटी है ऑन ऑल कोर्सेज, गारंटी ऑन ऑन ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज पे गारंटी है, सारे लेवल्स पे गारंटी नहीं है, ठीक है। सिल्वर लेवल तक की है गारंटी बस, सिल्वर के बाद गोल्ड आता है उस पर कोई गारंटी नहीं है। गोल्ड मतलब मान के चलते हैं कि बंदे को अच्छा लग रहा है हमारा स्कूल तभी ज्वाइन कर रहा है बंदा, नहीं कर रहा नहीं तो, ठीक है। इसको भी हम एनिमेट करेंगे, इसको हम एनिमेट करेंगे, जैसे टाइपराइटर में पहले से एनिमेटेड है ये, तो देख लेते हैं कितनी स्पीड आ रही है। थोड़ी स्पीड इसकी जो है कम कर सकते हैं जिससे कि बंदा ज़्यादा देर तक देख लेगा, राइट। अब इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पर पानी का झरना मिल गया और म्यूजिक मिल गया, पहली वाली स्लाइड मुझे थोड़ी सी लंबी लगी, थोड़ी सी छोटी कर देता हूं मैं, 7 सेकंड की कर देता हूं, और दोबारा प्ले करके देखता हूं। अभी भी थोड़ी सी मुझे लंबी लगी है, मैं इसको क्या करता हूं, सीधा सीधा 5 सेकंड की कर देता हूं, दोबारा प्ले करके देखता हूं। हाँ, तो पहली वाली 5 सेकंड की कर दी है, दूसरी वाली हमने जो है 5 सेकंड की छोड़ते हैं, अभी ठीक लग रही है। और अब एक और स्लाइड बनाते हैं छोटी सी, और उसके ऊपर लिखेंगे ज्वाइन नाउ, और यहाँ पर हम और सुंदर कुछ लेके आ सकते हैं, माउंटेन्स लेकर आ सकते हैं ना, रोड भी लेकर आ सकते हैं, ब्यूटीफुल रोड, बहुत सारी चीजें हैं कैनवा में। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो बहुत सुंदर सुंदर रोड भी मिल जाएंगे आपको कैनवा में, जैसे ये रोड मिल गया, इसको मैं वीडियो को इधर कर लूंगा, और यहां पर मुझे ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ यहां पर मुझे लिखना है ज्वाइन नाउ, ज्वाइन ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर अ ग्रेटर फ्यूचर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखना है, ज्वाइन नाउ स्टार्ट लर्निंग फॉर अ ग्रेट फ्यूचर। इसको भी मैं छोटा सा 4 सेकंड के करने वाला हूँ, और यहाँ पर जो मैं इसका इफेक्ट है, जो इसका एनिमेशन है, वो थोड़ा जल्दी कर दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ज्वाइन नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग फॉर अ ग्रेटर फ्यूचर, अब एक बार प्ले करके देखते हैं पूरा। तो परफेक्ट है ये जो पूरी रील है हमारी, ये बनी है 14 सेकंड की, बहुत छोटी रील है 14 सेकंड की, और तीन तीन स्लाइडें हैं, तो बंदा बहुत जल्दी से निकल जाएगा सारी स्लाइडें देख के।
और काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट की उम्मीद है इस रील के ऊपर। तो इस तरह की आप रील्स बना सकते हैं। अगर इसमें आप मुझसे पूछो क्या मिसिंग है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मिसिंग नहीं है, बट अगर आप चाहो तो अपना व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हो, तो मैं भी लगाने वाला हूँ। वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब जल्दी से लीड को थोड़ा सा आप अवसर दे रहे हैं अपने पास आने का, उसको मौका दे रहे हैं, तो बिना हेजिटेशन के बंदा आपको ना मैसेज डाल सकता है। ये व्हाट्सएप जो है अच्छी चीज़ होती है। तो ये नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा जिसका फॉन्ट है वो चेंज करेंगे हम, इसका फॉन्ट रखेंगे मीडियम और इसका फॉन्ट और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे फॉन्ट, और इसका जो लाइन का गैप है लेटर स्पेसिंग बढ़ा देंगे, जिससे कि अक्षर जो है क्लियरली दिख जाए। और इस नंबर को मैं दोनों स्लाइड्स पर कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पर भी कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पर भी कॉपी करने वाला हूँ। तो ये इसको थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो है ऊपर वाले की जो हाइट है वो कम कर सकता हूँ मैं, हाइट कम कर देंगे और नंबर को हम ले लेंगे ऊपर। ऐसे ही इसकी भी हाइट को जो है हम कम कर सकते हैं, इसकी भी हाइट हम कम कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर भी ले लेंगे और व्हाट्सएप नंबर को हम ऊपर कर देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे मैं हर चीज़ को ऊपर क्यों कर रहा हूँ, उसका लॉजिक ये है कि जो नीचे का जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमारी दिखती नहीं हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसका चौथाई से ज़्यादा हिस्सा खाली रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप मार्केटिंग रील्स कैनवा में बना सकते हो, अति सुंदर रील्स बना सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो, और चाहो तो जो टेम्पलेट्स रेडीमेड हैं उनसे भी अपनी रील्स बना सकते हो। हजारों टेम्पलेट्स रेडीमेड हैं, उनका मैं फ़ायदा उठा के रील्स बनाता रहता हूँ। और प्लस मैंने ये बिल्कुल ज़ीरो से बनाई है, पीछे बैकग्राउंड पहाड़ माउंटेन नदी रिवर कुछ भी लगा दिया है और उसके हिसाब से बना दी है, जो कि ये वाली रील जो है जो मैंने बनाई है ज़्यादा ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें नेचर भी है और मार्केटिंग भी है। अगर ये पूरा मैं मार्केटिंग वाली ले लूँगा तो लोग देखते ही समझ जाते हैं मार्केटिंग है, तो जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं, राइट। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।